आपात स्थिति में गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात करवाने को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश पर आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग कर्मियों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त 12 दिवसीय कॉम्प्रिहेंसिव एब्रोशन केयर प्रशिक्षण 16 मार्च तक राजकीय अमृत कौर अस्पताल की MCH विंग में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन प्रशिक्षण में ऐसे नर्सिंग कर्मियों को प्राथमिकता दी जा रही है जिसने IUCD प्रशिक्षण लिया हुआ है, ताकि प्रशिक्षण के बाद ऑपरेशन के थिएटर लेबर रूम में गर्भपात सेवाओं के दौरान चिकित्सक का सहयोग कर सके। साथ ही साथ महिलाओं को गर्भपात पश्चात गर्भ निरोधक सेवाएं भी नियम अनुसार उपलब्ध करवाई जा सके। इस प्रशिक्षण शिविर में नर्सिंग कर्मियों को 4 दिन का ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं डॉक्टरों को 12 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। MCH विंग प्रभारी तथा वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्या सक्सेना ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान 4 चिकित्सकों व 4 नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अमृत कौर के MCH विंग में हमारे यहाँ जो है कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर की का प्रशिक्षण चालू हुआ है, जिसमें 4 डॉक्टर्स और 4 नर्सिंग स्टाफ ट्रेनिंग लेंगे। 4 नर्सिंग स्टाफों की 4 दिन ट्रेनिंग चलेगी और डॉक्टर्स की 12 दिन ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर के बारे में बताया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर का मतलब है कि मरीज को सरकारी संस्थानों पर निःशुल्क अबॉर्शन अर्थात गर्भपात की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, और इसके अब जो मेथड्स आ गए हैं MMA और MVA, ये बहुत सेफ हैं और ये सुविधा सभी चिकित्सा संस्थानों पे उपलब्ध कराई जानी है। तो चरणों में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। पहले हमारे यहाँ सारे जो MC जो भी MS गाइनी डॉक्टर्स थे फील्ड के, उन सबको TOT की ट्रेनिंग दी गई थी, और अब जो TOTs हैं वो फील्ड में जो भी MBBS डॉक्टर्स हैं, PSC पे अकेले जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के बाद पश्चात हम जो ट्रेनर्स के द्वारा साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो जो है गर्भपात करने के हेतु अधिकृत होंगे। गर्भपात 12 हफ्ते तक का PSC लेवल पे किया जा सकेगा, और जिसके लिए जो 2 मेथड अवेलेबल है, दवाई गोली या MMA या और एक सक्शन यानी MVA, ये दोनों की सुविधाएं हर PSC पे उपलब्ध होंगी। और इस बारे में अधिक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, ताकि असुरक्षित गर्भपात फील्ड में जो अनट्रेन्ड स्टाफ है उसके द्वारा ना किया जाए।